नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूँ और वो इन्वेस्टमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे की। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या है कि लो राइज दीनदयाल के फ्लोर आ रहे हैं अपकमिंग, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, ये भी नहीं कि माड़ी लोकेशन है, बहुत ही जबरदस्त। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे लो राइज के दीनदयाल के फ्लोर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर वहाँ पे आपको हाई राइज कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा कंसेप्ट है दीनदयाल, लेकिन अल्ट्रा लग्जरी के अंदर ये दे रहे हैं। गुड़गांव के अंदर आपने जो कंसेप्ट देखे, जैसे कि स्मार्ट वर्ल्ड M3M लेके आ रहे हैं, कंसेप्ट सेम वैसे ही रहेगा भी। बेसमेंट में भी आपको 1/3 मिलेगा, टॉप भी आपको 1/3 रहेगा, आपके जो फ्लोर्स रहेंगे वो 3 BHK रहेंगे प्रॉपर, आपको मॉडुलर किचन मार्बल वगैरह और आपको जो ACs वगैरह है वो प्रॉपर दी जाएंगी। मतलब थोड़ा सा और एडवांस लेके जो स्मार्ट वर्ल्ड में देखा है या M3M के अंदर देखा है या सिग्नेचर के अंदर देखा है, इन सभी से कुछ और अल्ट्रा लग्जरी ये चीज़ आ रही है। और ये आपके दिल्ली वालों के लिए तो ये बहुत ही गजब की चीज़ है, लेकिन ये मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं आ रही, ये आ रही है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में सेक्टर 106 के अंदर। सेक्टर 106 बहुत ही गजब का सेक्टर है, क्योंकि सेक्टर 106 के फ्रंट में द्वारका एक्सप्रेसवे 300 मीटर की प्रॉपर कमर्शियल बेल्ट है, तो वहाँ पे कमर्शियल आएगा ही आएगा। और जहाँ पे कमर्शियल आता है तो लोग आसपास ही अपने रेजिडेंशियल प्लेस देखते हैं रहने के लिए। तो सेक्टर 106 द्वारका और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को, जहाँ पे ये दोनों रोड आपस में मिलते हैं बीच में कनेक्टिविटी, उसी रोड के ऊपर आपने देखा होगा कि MRG का एक अफोर्डेबल भी आया था, उसमें बहुत डिमांड थी, बहुत ही अच्छा भी काम चल रहा है। तो ये जो रोड है अपर द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए 2-3 रोड कनेक्ट होते हैं आपस में, तो ये प्रोजेक्ट आ रहा है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 106 में गोदरेज मेरिडियन के बिल्कुल साथ में लगती हुई लैंड है। अभी जो गोदरेज मेरिडियन जिस एंट्री को यूज कर रहा है, एक्चुअली में वो गोदरेज मेरिडियन की एंट्री नहीं है, गोदरेज मेरिडियन की एंट्री दूसरे रोड से होगी। तो इस प्रोजेक्ट की मेल जो एंट्री रहेगी वो रहेगी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो 60 मीटर रोड है उससे डायरेक्ट एंट्री रहेगी, और प्रॉपर दीनदयाल के फ्लोर आएंगे 1500 से लेके 1600 स्क्वायर फीट तक के इसके अंदर साइज रहेंगे, 3 BHK के, प्रॉपर 3 BHK मिलेगा। G+4 का कंसेप्ट रहेगा, नीचे बेसमेंट रहेगी, ऊपर टेरेस स्पेस रहेगा, पावर बैकअप क्लब एमिनिटीज वो सारी लग्जरी एमिनिटीज रहेंगी। मोटा मोटा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, इसके अंदर जो आपका जो बजट जाएगा वो जाएगा लमसम 1.5 करोड़ के अराउंड। तो 1.5 करोड़ के अराउंड ये प्रोजेक्ट आ रहा है अभी 1 से 2 महीने के बाद, अपकमिंग है, आप ट्राई कर सकते हो, टच में रह सकते हो। अभी इसका बेनिफिट क्या मिलेगा ये मैं बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट के नियर बाई में क्या है कि जो साथ में आपका मेरिडियन है, तब तक मेरिडियन आपको पोजीशन मिल जाएगी, वहाँ पे लग्जरी फ्लैट हैं, लोग आ जाएंगे। इसी प्रोजेक्ट के जस्ट सामने आपको उसका रहेजा का अथर्वा है, उसके अंदर फैमिलियाँ रह रही है। उसी प्रोजेक्ट के जस्ट साइड से रोड जाता है, पीछे M3M के प्रोजेक्ट्स हैं, सिग्नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं और भी हैं, और बगल में है शोभा सिटी, शोभा इंटरनेशनल सिटी, जहाँ पे विलाज भी हैं, आपके हाई राइज अपार्टमेंट भी हैं, पेंट हाउस भी है, बहुत सारी ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। और इसके बगल में अगर हम ट्राई करें, अभी जैसे कि पीछे अभी ऐलान है लग्जरी प्रोजेक्ट है, इसके बगल में पीछे साइड में लेके आ रहा है ऐलान ने भी अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अल्ट्रा लग्जरी के अंदर। तो सेक्टर 106 में प्रॉपर लग्जरी आ रही है चीज़ें, और जो सेक्टर 106 है ना तो शोर शराबे वाली जगह है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि मेन अगर हम एक्सटेंशन उस पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखेंगे तो फ्रंट में हमारा पूरी कमर्शियल है, 300 मीटर की बेल्ट है, उसके बाद रेजिडेंशियल शुरू होता है। तो ये जो एरिया है ये बहुत ही अच्छा एरिया आता है बैक साइड वाला अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है सबसे ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि इसके ऊपर टोल नहीं होगा, तो लोग सबसे ज़्यादा इसी रोड को यूज करेंगे। और ये रोड डायरेक्ट आपका NH8 पे कनेक्ट होता है, जहाँ पे वाटिका इंडिया नेक्स्ट है, वो जो फ्लाईओवर से आता है वो रोड, ये सीधा आपका वहीं कनेक्ट होता है दिल्ली टू आपका NH8, और फिर यही रोड डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है आपका सेक्टर 79 के अंदर। तो ये रोड ऐसे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेस के पैरेलल चल रहा है ऐसे ऊपर ही ऊपर, तो फिर बाद में जितनी भी डेवलपमेंट है वो ऐसे ही आनी है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि लोग टोल बचाना चाहेंगे, तो इसलिए अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा, तो लोग डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहते हैं। तो ये चीज़ आने वाली है, या अगर जैसे ही इसकी कुछ अच्छे चीज़ें आती हैं, जैसे कि लेआउट वगैरह, और जब ये लॉन्च होता है, इसका लाइसेंस आ चुका है,
और रेरा के लिए अभी अप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही आता है 1 से 2 महीने के अंदर तो हम इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर सकते हैं। तब तक आप अगर टच में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं ताकि बेस्ट आपको चीज़ें प्रोवाइड कराए। तो दोस्तों ये थी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि उसके अंदर ही मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो डाल देता हूँ। धन्यवाद।